सऊदी अरब में इस्लामी सरबराही इजलास, निगरा वजीर आजम अनवारुल्ला काकड़ ने कहा कि गजा में नस्ल कुशी जारी है, गैर मशरूत और फौरी सीज फायर, इंसानी इमदाद की फराहमी का मुतालबा, फलस्तीनियों का कत्लेआम तनाज़ात को जन्म देगा, वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान और सेक्रेटरी जनरल OIC का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दवान, अमीर कतर और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि गजा में कत्लेआम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। गजा अलशिफा अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 31 बच्चे शहीद हो गए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि 12 साल बाद ईरानी सदर रियाद गए हैं, अब मुस्लिम दुनिया एक मौकफ रखती है। इजलास में खुद मुख्तार रियासत फलस्तीन के क्याम पर बात की गई। अभी अहम चीज़ जंग बंदी और इमदादी सामान पहुँचाना है। इंग्लैंड बमुकाबला पाकिस्तान, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की पूरी टीम मुकर्ररा ओवर्स भी ना खेल सकी। 338 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 43.3 ओवर्स में 244 रन पर ढेर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।